الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضرات علماء کرام و مشائخ اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے تو اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور پھر ادارہ الخیر فاؤنڈیشن کے سربراہ جناب امام قاسم صاحب کا اور مولانا عبد المنتقم صاحب کا کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو علماء کرام کے اس سیدھا مجمع میں حاضری اور ان سے ملاقات کا شرف عطا فرمایا، اور اس طرح یہ شرف حاصل ہوا کہ صرف شاید ایک دن کے نوٹس پر یہ اجتماع بلایا گیا، اور پھر آپ سب حضرات کا تہہ دل سے ممنون ہوں کہ مجھ ناکارا کی حاضری کے موقع پر آپ نے اتنے مختصر نوٹس پر یہاں پر تشریف آوری کا اہتمام فرمایا اور مجھے اپنی ملاقات کا شرف بخشا. حضرات علماء کرام کی محفل میں مجھے ہمیشہ دو قسم کی مختلف جذبات کا امتزاج ہوتا ہے. ایک تو الحمدللہ مسرت ہوتی ہے کہ میں اپنی برادری میں اپنے بھائیوں کے ساتھ اور اپنے اکابر کے ساتھ ملنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اس پر خوشی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اس پر ادا کرتا ہوں. کیونکہ میں ایک ادنا طالب علم ہوں اور حضرات علماء کرام میرے لیے سرتاج ہیں، میرے لیے قابل صد احترام و تکریم ہیں، ان کی زیارت، ان سے ملاقات بذات خود ایک بڑی سعادت ہے. لیکن دوسری طرف جب مجھے حضرات علماء کرام سے کچھ خطاب کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، ان سے کچھ گزارشات پیش کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، تو دوسرا متضاد جذبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کہاں اور علماء کرام کہاں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ ان کی خدمت میں کوئی نصیحت پیش کروں یا کوئی گزارشات پیش کروں، ان کے سامنے لب کشائی اپنی حیثیت سے زیادہ معلوم ہوتی. لیکن ساتھ ہی میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جب کبھی ایسا موقع آتا ہے تو میں یہ تصور کر لیتا ہوں کہ ہمارے دینی مدارس میں جن سے ہم لوگ پڑھے ہیں، ایک طریقہ رائج ہے جو سب حضرات جانتے ہیں کہ جب استاد سے سبق پڑھ لیا جاتا ہے تو طلبہ آپس میں بیٹھ جاتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر لیتے ہیں، وہ تکرار کرا دیتا ہے. تکرار کرانے والا وہ بھی ساتھی ہوتا ہے، وہ تکرار کرانے کی وجہ سے استاد نہیں بن جاتا، کبھی ایک ساتھی تکرار کراتا ہے، کبھی دوسرا کراتا ہے. تو میں ایسے موقع پر یہ اپنے آپ کو تصور کر لیتا ہوں کہ میں اپنے بزرگوں سے جو باتیں سنی ہیں
और जो अल्हम्दुलिल्लाह दिल में बैठी हुई हैं उनका मैं तकरार करा रहा हूँ। अल्लाह तबारक व ताला सही तरीके से वो तकरार करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ भी अर्ज़ करूँगा वो इंशाल्लाह अपने अकाबिर से जो कुछ सुना है, सीखा है, पढ़ा है, उसी की रोशनी में अर्ज़ करूँगा। इसलिए मेरी ज़ाती कोई बात नहीं है, अपने अकाबिर से सुनी हुई बातें हैं। अलबत्ता उसमें हो सकता है कि कुछ अपना इस्तिंबात भी हो, और इस्तिंबात के बारे में आप हज़रात जानते हैं कि उस इस्तिंबात में अल्लाह तबारक व तआला ने एक दरवाज़ा खोला हुआ है, तो उसकी वजह से वो भी दरहकीकत उन्हीं का रूहानी फैज़ होता है। यहाँ तक कि मैंने अपने वालिद माजिद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब कद्दसल्लाहु ताला सिर्रहू से एक मरतबा सुना। क्या सुना कि मैंने एक तहरीर लिखी थी जो एक फ़िक्ही मसले से मुतालिक थी, और उसमें एक बड़े आलिम से इख्तलाफ़ किया गया था किसी फ़िक्ही मसले के मसले में। एहतराम के साथ, अदब के साथ और तमाम रियायतों को मद्देनज़र रखते हुए फ़िक्ही तौर पर इस्तिंबात में उनसे थोड़ा सा इख्तलाफ़ किया गया था, और वो मसला लिखकर मैंने अपने वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश किया, तो उन्होंने उसके ऊपर एक तहरीर लिखी और उसमें एक जुमला लिखा, बड़ा माना खेज जुमला। जुमला ये लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये तहरीर देखी, मैं इसमें जो कुछ बात कही गई है मैं उससे मुत्तफिक हूँ और मेरे नज़दीक वो सही है, और ख़ास तौर से अपने अकाबिर का से कोई इल्मी इख्तलाफ करते हुए उनके अदब व एहतराम को मलहूज़ रखना ये सलामत फ़िक्र की दलील है। और दरहकीकत अगर अपने किसी बड़े से किसी इल्मी मसले में इख्तलाफ भी किया जाता है तो ये उसी बड़े का मानवी फैज़ होता है, उसी बड़े का मानवी फैज़ होता है। लिहाजा उस इख्तलाफ को बेअदबी पर महमूल नहीं करना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि ये भी उन्हीं का मानवी फैज़ है कि असल में तो इल्म उनके पास था, उस इल्म की रोशनी में शुआएँ मुख्तलिफ निकली, एक शुआ एक तरफ चली गई, एक शुआ दूसरी तरफ चली गई, लेकिन फैज़ का मरकज़ और चश्मा एक ही है। इसलिए इस्तिंबात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा तवस्सो रखा है। तो इसलिए जो कुछ अर्ज़ करूँगा इंशाल्लाह वो अपने अकाबिरी की तालीमात और उनकी हिदायत की रोशनी में होगा। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रज़ा के मुताबिक सही बात कहने की तौफीक अता फरमाए, हक बात हक नीयत से हक तरीक़े से कहने की तौफीक अता फरमाए। बात दरअसल ये है कि आज इस वक्त आलम इस्लाम, इस्लामी दुनिया मशरिक़ से लेकर मगरिब तक ऐसे पेचीदा मसाइल से दोचार है जो शायद मुसलमानों की तारीख में इससे पहले ना आए हों। अजीब मसला है कि इस वक्त मुसलमानों के पास जो वसाइल मयस्सर हैं, इस वक्त मुसलमानों की जो आबादी है, तारीख में दुनिया में कभी मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी नहीं हुई। जो वसाइल मयस्सर हैं, तारीख़ में कभी मुसलमानों के पास इतने वसाइल मयस्सर नहीं हुए। वसाइल का हाल यह है कि दुनिया के नक्शे पर अगर आप नज़र डालिए तो दुनिया के कल्ब में मुसलमान बैठे हुए हैं, दुनिया के वसत में मुसलमान बैठे हुए हैं, दुनिया की अजीम तरीन शाहराहें मुसलमानों के कब्ज़े में हैं। आबनाए बास्फोरस इनके पास है, नहर सुएज़ इनके पास है,
खलीज अदन इनके पास है, और वो शाहराहें कि जो पूरी दुनिया की तिजारत का की शहरग हैं वो मुसलमानों के पास है। वसाइल का आलम यह है कि सारी दुनिया में तेल, जिसको आज की इस्तेलाह में ज़रे सयाल कहा जाता है, बहता हुआ सोना, उस पर मुसलमानों को तकरीबन इजारादारी हासिल है, और तेल के सारे मराकज़ इनके पास हैं। दौलत के अतबार से भी अगर देखा जाए तो शायद मुसलमानों के पास दौलत इससे पहले कभी इतनी नहीं हुई जितनी मुसलमानों के पास आज है। लेकिन इस सारी आबादी के बावजूद और इस सारे वसाइल की बहतात के बावजूद सूरत हाल यह है कि जहाँ मुसलमान है किसी न किसी मसले से दो चार, और उन मसाइल में इस तरह गिरफ्तार है कि उसको आगे बढ़ने की जुरत नहीं हो रही, आगे बढ़ने का हौसला नहीं हो रहा, और उनसे निमटने की राह नज़र नहीं आ रही। तो ये अजीब मामला है कि वसाइल की बहतात, आबादी की ज़्यादती और अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए नेमतों की बहतात के बावजूद मुसलमान शायद इतने बड़े मसाइल से कभी दो चार नहीं रहे जितने आज हैं। और ये बात आप सब हज़रात वाकिफ़ हैं कि नबी करीम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि जब लोग जो हैं मुसलमानों को अपने दस्तरखान अपने इस तरह दावत देंगे जैसे कि एक दूसरे को खाने पर दस्तरखान पर दावत दी जाती है। तो सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त मुसलमानों की तादाद कम होगी? तो फरमाया कि तादाद तो बहुत होगी, लेकिन तादाद ज़्यादा होने के बावजूद इन्नहुम का गुस्सा उनका गुस्सा सैल, वो ऐसे होंगे जैसे सैलाब के अंदर तिनके बहते हुए जा रहे हैं। उन तिनकों को अगर कोई गिनना चाहे तो गिन भी नहीं सकता, इतनी अनगिनत तिनके होते हैं। लेकिन उसके बावजूद उनकी हैसियत ऐसी है कि सैलाब जिस तरफ बहा कर ले जा रहा है उस तरफ वो जा रहे हैं। तो ये कैफियत आज हमें आंखों से नज़र आ रही है। क्यों पैदा हुई है इसकी कैफियत, और इस कैफियत के पैदा होने के क्या असबाब हैं? इस पर जब कभी हम बात करते हैं तो अक्सर व बेशतर ज़बान पर यह आता है कि ये हमारे दुश्मनों की साजिशें हैं, दुश्मनों ने हमें इस मकाम तक पहुंचा दिया है, चारों तरफ से हम दुश्मनों में घिरे हुए हैं, दुश्मनों की साजिशों के नतीजे में हम बेइज्जत भी हैं और अपने मसाइल से दो चार भी हैं। ये बात अपनी जगह दुरुस्त भी हो सकती है, दुरुस्त है भी, लेकिन सवाल यह है कि दुश्मन से आप क्या तवक्को रखते हैं? दुश्मन से यह तवक्को रखते हैं कि वह आपसे मोहब्बत करेगा? दुश्मन से यह तवक्को रखते हैं कि वह आपकी मदद करेगा? दुश्मन से यह तवक्को रखते हैं कि वह आपकी तरक्की के असबाब पैदा करेगा? दुश्मन का तो काम ही है, उसका क्या शिकवा? दुश्मन का शिकवा क्या? वो अगर दुश्मन है तो वो तो दुश्मन ही करेगा। लेकिन बात यह है कि किसी भी दुश्मन को अपनी साजिशों में कामयाब बनाना, उस कामयाब उस वक्त तक वो दुश्मन कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि कोई ख़राबी हमारे अंदर मौजूद ना हो। अगर हमारे अंदर ख़राबी नहीं है तो दुश्मन फ़ायदा नहीं उठा सकता। हमेशा इस्लाम की तारीख इस बात की गवाह है कि जब कभी मुसलमानों को नुकसान पहुंचा या दुश्मनों की साजिशें नाकामयाब हुईं, दुश्मन उन पर फतहयाब हुए, तो वो उनकी ताकत की वजह से नहीं, उनकी बहादुरी की वजह से नहीं, बल्कि मुसलमानों की अपनी किसी खराबी
या उसके किसी नुकसान की वजह से हुई। लिहाजा ये जो हम बैठकर मजलिसों में बुरा भला कहते रहते हैं कि फ़लाँ ने हमारे साथ ये कर दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया, लेकिन असल बात यह है कि पहले हमें अपने गरीबान में भी मुंह डालकर देखना चाहिए कि वो क्या वजह है जिसकी बिना पर दुश्मन जो है वो कामयाब हो रहा है और दुश्मन हमारे खिलाफ़ साजिशों के अंदर उसकी तदबीरें कारगर हो रही हैं। ये नुक्ते नज़र ऐसा है जो हमें एक बहुत बड़ी लम्हे फिक्रिया है, हमारे लिए सोच का सामान पैदा करता है। तो इस मौके पर उन तमाम असबाब उन तमाम खराबियों का अहाता तो मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन साहब कद्दसल्लाहु ताला सिर्रहू का एक जुमला नकल करता हूँ। मेरे वालिद माजिद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब कद्दसल्लाहु ताला सिर्रहू, हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन साहब, आप सब हज़रात उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, उनके मुरीद भी थे और मेरे वालिद माजिद फरमाया करते थे कि मैं अपने बचपन में असर के बाद जब मेरे हम और बच्चे खेल कूद में लग जाया करते थे, मेरा मामूल यह था कि मैं हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में हाज़िर होकर बैठ जाता था। शेखुल हिंद दारुल उलूम देवबंद के अहाते में एक जगह तशरीफ़ फरमा होते, दारुल उलूम के असातिज़ा तलबा हाज़िर हो जाया करते थे, जिसको आना होता था आ जाता था और हज़रत की सोहबत में बैठते थे और हज़रत मुख्तलिफ़ बातें फरमाया करते थे और हज़रत वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह को उस वक्त की बहुत सी बातें याद थीं और मुझे हमें याद है बचपन से हज़रत वालिद साहब उनका तذکرہ फरमाते रहते थे, वो बातें हमें सुनाते रहते थे। उनमें से एक बात कि जब हज़रत शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह माल्टा की गिरफ्तारी से वापस देवबंद तशरीफ़ लाए, आप सब हज़रात तारीख़ से वाकिफ़ हैं, माल्टा में क़ैद हुए थे, वहाँ से जब वापस तशरीफ़ लाए तो एक दिन इसी तरह मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे और थोड़ी देर खामोश रहे, खामोश रहने के बाद फिर फरमाया कि भाई हमने अब माल्टा की तन्हाइयों में हमने तो दो सबक सीखे। ये कौन कह रहा है? शेखुल हिंद, जिसके बारे में हज़रत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह ये फरमाते थे कि इनको शेखुल हिंद कहना उनकी तौहीन है, असल में शेखुल अरब वल अजम थे। तो वो कह रहा है किस 80 साल की उम्र में, वो 80 साल जो कुरान और हदीस की तशरीह और तफसीर में गुजारे और फिर इस्लाम को सरबुलंद करने के लिए एक सियासी तहरीक, आप सब हज़रात अच्छी तरह जानते हैं, वो चलाई और उसके तमाम नशीब अफराद से वाकिफ़ हुए। 80 साल तजर्बे के नचोड़ के तौर पर फरमा रहे हैं कि मैंने माल्टा की तन्हाइयों में दो सबक लिए। सब लोग हमतनगोश हो गए कि इतने तजुर्बाकार बुज़ुर्ग, वो कौन से दो सबक हैं जो माल्टा की तन्हाइयों में हासिल हुए। तो फरमाया कि मुसलमानों की ज़वाल के मेरे नज़दीक दो असबाब हैं और जब तक इन दो असबाब को ज़ायल नहीं किया जाएगा उस वक्त तक मुसलमान उभर नहीं सकते। एक सबब यह कि मुसलमानों ने कुरान करीम को छोड़ दिया, कुरान करीम को छोड़ दिया, कुरान करीम के जो हुकूक थे उसकी तिलावत के, उसको पढ़ने के, उसको समझने के, उस पर अमल करने के, उसकी दावत को फैलाने के, ये हुकूक मुसलमानों ने छोड़ दिए। एक सबब तो यह। दूसरा सबब मुसलमानों का बाहमी इफ्तिराक और उनके दरमियान आपस के झगड़े और तनाज़ा, ये
ये दो चीज़ें फरमाया कि बुनियादी सबब हैं, जब तक ये दो सबब दूर नहीं होंगे मुसलमानों की मुश्किलात का, उनके मसाइल का हल नहीं निकलेगा। तो आगे फिर उन्होंने ये फरमाया कि मैं अपने आइंदा ज़िंदगी, अपनी आने वाली ज़िंदगी मैं इन्हीं दो कामों के लिए वक्फ करना चाहता हूँ कि कुरान करीम की खिदमत करूँ और उसकी नशर इशात की फ़िक्र करूँ और दूसरे मुसलमानों में इत्तेहाद व इत्तेफाक की कोशिश करूँ। तो इन दोनों बातों में से पहली बात कुरान करीम की, इस वक्त मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह सब हज़रात उसकी अहमियत से भी वाकिफ़ हैं और अपने तौर पर किसी कदर कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात जो दरहकीकत कुरान पर अमल का ही एक लाजिमी नतीजा था, वो बाहमी इफ्तराक व इख्तिलाफ, बाहमी इफ्तराक और शिकाक, लड़ाइयाँ, झगड़े, फ़िरकावारियत, एक दूसरे के ख़िलाफ़ महाजाराई, इसने हमें तबाह किया। और जब तक ये सूरत हाल दुरुस्त नहीं होगी उस वक्त तक हमें दुश्मनों का शिकवा करने का इख्तियार और हक नहीं है। अगर हम खुद अपने इफ्तराक और इंतशार को ख़त्म नहीं करेंगे और अगर हम खुद अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करके कुरान के सबक वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकु, जब इसकी तरफ जब तक नहीं आएंगे उस वक्त तक दुश्मन तो इस इफ्तराक को इस्तेमाल करते ही रहेंगे और उनसे इसके सिवा और क्या तवक्को की जा सकती है। इस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि ये जो इफ्तराक और इंतशार जिसका हज़रत शेखुल हिंद ने ज़िक्र फरमाया, मुसलमानों के दरमियान झगड़े, मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफात, ये इन इख्तलाफात ने मुसलमानों की कुव्वत को पारा पारा कर दिया। पारा पारा करने के नतीजे में दुश्मनों को मौका मिल गया और बजा तौर पर मिल गया कि वो हमें खुद हमारे खिलाफ इस्तेमाल करें। तो यहाँ ये समझने की बात है कि शरीयत ने और नबी करीम सरवरदो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ने, सहाबा किराम के अमल ने, बुजुर्गान दीन के तआमुल ने ये बात वाज़े की है कि इख्तिलाफ की बहुत सारी किस्में होती हैं, बहुत सारी किस्में होती हैं। एक इख्तिलाफ है कुफ्र और ईमान का इख्तिलाफ, एक इख्तिलाफ है फिस्क फजूर और सलाह का इख्तिलाफ, एक इख्तिलाफ है बिदअत और सुन्नत का इख्तिलाफ, एक इख्तलाफ है इज्तिहाद का इख्तलाफ, एक इख्तलाफ है मसलक का इख्तलाफ, एक इख्तलाफ है मिजाज व मजाक का इख्तलाफ। ये इख्तलाफ की मुख्तलिफ सूरतें भी हैं, मुख्तलिफ मदारिज भी हैं। हर इख्तलाफ का हुक्म अलहदा है। जो कुफ्र और ईमान का इख्तलाफ है, ईमान और कुफर का इख्तलाफ है, वह हक व बातिल का इख्तलाफ है, लेकिन उस इख्तलाफ का मतलब भी लड़ाई नहीं है, उस इख्तलाफ का मतलब भी नफरतें नहीं है। उस इख्तलाफ का मतलब यह है कि हर जो साहिब ईमान है वो अपने ईमान की हिफाजत करे, उस ईमान के ऊपर अमल करे, उसके तकाज़ों पर अमल पैरा हो, लेकिन जो गैर मुस्लिम है, काफिर है, तो उस काफिर को काफिर की नफरत नहीं है। नफरत कुफ्र से है, काफिर की ज़ात से नहीं है। नफरत फिस्क से है, फासिक की ज़ात से नहीं है। तो उसके अंदर भी नफरतों का पैदा करना, गैर मुस्लिमों के साथ नफरत पैदा करना, ये नफरत इस्लाम ने नहीं सिखाई, ये हमारे दीन ने नहीं सिखाई। एक शख्स जो कुफर की गुमराही में बेचारा मुब्तला है तो वो दरहकीकत गुस्से का मुस्तहिक नहीं है, नफरत का मुस्तहिक नहीं है, वो रहमदिली का मुस्तहिक है।
यानी इस बात का कि ये किसी तरह अल्लाह तबारक व ताला इसको उस गलत रास्ते से निकाल कर सही रास्ते पर ले आए, ये तमन्ना होनी चाहिए, ये तड़प होनी चाहिए और ये जज्बा होना चाहिए कि मैं कोई ऐसा तरीका इख्तियार करूं कि जिसके नतीजे में ये गलत रास्ते से सही रास्ते की तरफ आ जाए। नबी करीम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने आग जलाई और आग के अंदर परवाने आकर गिर रहे हैं, मैं कौलियाँ भर भर कर उनको उन परवाने को आग से बचाना चाहता हूँ, हटाना चाहता हूँ और मैं इस फिक्र में हूँ कि किसी तरह ये बच जाएं। काफिर लोग नफरत कर रहे हैं, गैर मुस्लिम नफरत कर रहे हैं और नफरत ही नहीं कर रहे, गालियाँ दे रहे हैं, वो पत्थर बरसा रहे हैं, लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं या रब्बि ग़फिर लहुम इन्ना क़ौमी ला यालमून, ऐ अल्लाह इनके मग़फ़रत फरमा दे, इनको अभी पता नहीं हकीकत का। अगर नफरत होती तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ना फरमाते कि या अल्लाह इनको तबाह ना कीजिए, इनको बर्बाद ना कीजिए, हो सकता है इनके पुश्तों से ऐसे लोग पैदा हो जाएं जो हक़ अलमबरदार हों, उनको फरमा रहे हैं कि या अल्लाह इनकी मकसद, ये इल्म नहीं, ये जान नहीं रहे, बेचारे नादान हैं, इस वास्ते मेरी मुखालफत कर रहे हैं। जो गालियां दे रहे हैं, जो पत्थर बरसा रहे हैं, जो दुश्मनी कर रहे हैं, उनके साथ भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामला था और इस दर्जा था कि रातों को रो रहे हैं और जान हलकान किए हुए हैं कि किसी तरह ये रास्त पर आ जाएं। लाल लक, यहाँ तक कि अल्लाह ताला को कहना पड़ा कि लाल लक बाख़ नफ्स का अल्लाह यकुनु मोमिनी, कि क्या आप अपनी जान को हलाक कर डालेंगे इस बिना पर कि ये ईमान नहीं ला रहे हैं, आपने अपना फरीज अदा कर दिया। कितना आप कुरान भरा हुआ है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तसल्ली देने से। तो अगर नफरत होती तो नफरत के साथ ये दर्दमंदी नहीं हो सकती थी। लिहाजा ये मैं हज़रत हकीम उल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह की बात नकल कर रहा हूँ, अपने वालिद माजिद की नकल कर रहा हूँ कि नफरत कुफ्र से नहीं, काफिर से नहीं है, कुफ्र से है, फासिक से नहीं है, फिस्क से है, और उसको ये समझना चाहिए कि ये काबिल रहम है, इनके साथ रहम दिली का मामला करना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला से मांगना चाहिए कि यह राय रास्त पर आ जाए। मेरे एक अभी आप हजरात को शायद पता चला होगा, मेरे एक खुसर मरहूम खुसर साहब थे, जनाब शराबत हसन साहब मरहूम, माशाल्लाह उनकी वफ़ात का बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी चल गया, ताज़ियत भी कर रहे हैं लोग। तो बेचारे आलिम नहीं थे, इंदर से निज़ामी पढ़े हुए नहीं थे, ताजिर थे, लेकिन अल्लाह ताला ने बुज़ुर्गों की सोहबत अता फरमाई और उसकी वजह से मैं ऐसा बेनफ्स इंसान, ऐसे अपनी ज़ात को फना किए हुए इंसान मैंने बहुत कम देखे हैं। अल्लाह ताला ने उनको अजीब सलाहियत तो नजर आती। उनकी एक बात मैं आपसे नकल करता हूँ, मैंने आज सारी ज़िंदगी उनकी ज़बान से कभी गीबत नहीं सुनी, किसी की शिकायत नहीं सुनी, लेकिन अगर कभी बरसबील तज़किरा किसी शख्स का जिक्र इस तरह आ जाता कि उससे पूछा जा रहा है कि भाई वो दीनी एतबार से कैसे हैं, दीनदार हैं कि नहीं हैं, तो एक अजीब जुमला हमेशा उनके ज़बान से ये जुमला आ जाता कि बेचारे नज़र नमाज मस्जिद में नज़र नहीं आते, बेचारे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे कि बेचारे दीन से उनको ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है बेचारों का, यानी इस तरह बयान करते थे जैसे कोई बीमार का जिक्र करता है कि वो बेचारा फलां बीमारी में मुब्तला है तो उसको बेचारा कहा जाता है कि बेचारे को कैंसर हो गया, बेचारे को टीबी हो गई, बेचारे को बीमार है, इस तरह वो बेचारे कहकर जिक्र किया करते थे। ये तालीम थी बुज़ुर्गों की कि किसी भी काफिर के साथ भी, किसी गैर मुस्लिम के साथ भी जो है वो मामला नफ़रत का नहीं, मोहब्बत का मामला, अलबत्ता मोहब्बत के उनवान मुख्तलिफ होते हैं, उस मोहब्बत का एक उनवान यह है कि अल्लाह ताला इनको अपनी रहमत से इस्लाम की हिदायत अता फरमा दे। जब इस मोहब्बत के साथ दावत होती है तो उस दावत में असर होता है, उस दावत का
फ़ायदा पहुंचता है। जब पता चलता है गैर मुस्लिमों को, ये पता चलता है कि ये हमसे नफरत नहीं करते, ये हमसे मोहब्बत करते हैं, ये हमारे बदखाह नहीं है, ये हमारे खैरख्वाह हैं, तो फिर वो करीब कुर्ब पैदा होता है। कुर्ब पैदा होता है तो उस कुर्ब के नतीजे में जब नूर इस ईमान का अगर कल्ब के अंदर मौजूद हो तो उस कुर्ब के नतीजे में और नूर दूसरे की तरफ मुंतकिल होता है। इसीलिए हजरत साहब किराम रजी अल्लाह तआला मजमाइन को देखिए, हम सब हिंदुस्तान के अक्सर व बेशतर जो यहाँ बैठे हैं बर सगीर के मुसलमान हैं, हम सब ममनून एहसान किसके हैं, किस तरह हम मुसलमान हुए। हिंदुस्तान में सबसे पहला इस्लाम जो आया वो मालाबार के इलाके में आया, वहाँ कोई तबलीग जमात नहीं गई थी, वहाँ कोई जिहादी तहरीक नहीं पहुँची थी, कोई जिहादी तंजीम नहीं पहुँची थी, वहाँ ताजिर लोग पहुँचे थे, साहबे किराम तिजारत की गरज से गए थे, और तिजारत के दौरान उन्होंने कोई बाकायदा तबलीगी मुहिम नहीं चलाई थी, लेकिन उन्होंने अपने वहाँ के रहने वालों के साथ जिस मोहब्बत का मामला किया, जिस एहसान का, हुस्न सलूक का, जिन अखलाक फाजिला का मुजाहरा किया, उन्होंने इनको करीब कुर्ब पैदा किया, उस कुर्ब के नतीजे में अल्लाह ताला ने उनको मुसलमान किया। आज हम आप उन्हीं के की बदौलत हम मुसलमान बैठे हुए हैं, जहाँ पर भी बर सगीर के मुसलमान हैं उनकी बदौलत मुसलमान। तो एक इख्तलाफ जो है वो कुफ्र और इस्लाम का इख्तलाफ है, कुफ्र इस्लाम का इख्तलाफ, हक़ व बातिल का इख्तलाफ है, मगर उसके लिए भी उसमें भी नफरत नहीं है, उसमें भी मोहब्बत है, उसमें खैरख्वाही है, उसमें हमदर्दी है, अगरचे हक़ व बातिल है। हमसे अगर पूछा जाए हक है या बातिल है, कहेंगे बातिल है, लेकिन बातिल होने के बावजूद ऐसे ही कहेंगे जैसे किसी बीमार को कहा जाता है कि इसको फलां बीमारी लायक है, लेकिन उस बीमारी की वजह से उस पर गुस्सा नहीं आता, उस बीमारी की वजह से उसे नफरत नहीं की जाती, उस बीमारी की वजह से उससे मोहब्बत की जाती है, उससे हमदर्दी की जाती है। तो इख्तलाफ का एक सतह यह है। हाँ, अगर फ़र्ज करो कि किसी वक्त में ज़रूरत पेश आ जाए कि वो हमलावर हों और दिफा करना पड़े, तो फिर बेशक जिहाद भी शरीयत का एक अहम हुक्म है, लेकिन आज जिहाद को बदनाम करके वो इतने गलत माना के ऊपर महमूल किया जा रहा है कि जिससे जिहाद की हकीकत मस्ख हो गई। जिहाद नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरू फरमाया, कुरान करीम ने उसकी तालीम दी, हमें उसके इस्लाम का एक अहम रुकन होने से कभी शर्माना नहीं चाहिए, कभी उसमें अपोलोजिटिक नहीं होना चाहिए, हमारे दीन का एक अहम हिस्सा है जिहाद। लेकिन वो जिहाद जो नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था, वो जिहाद नहीं जिसका नाम लेकर आज मासूमों की गर्दनें उड़ाई जा रही हैं, वो जिहाद नहीं जिसके नाम पर आज खुदकुश हमले करके और लोगों की जिंदगियां ली जा रही हैं, जाने ली जा रही हैं, वो जिहाद जिसका अमीर ये कहता है कि जब तक उधर से हमला ना हो तुम हमला ना करना। नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, हर जिहाद के हर लश्कर को ये तालीम थी कि जब तक उधर से हमला ना हो तुम हमलावर ना होना। आपके हर जिहाद के अंदर ये तालीम थी कि ला तख्तुलू वलीदन वला शेखन फानी सबीयन वला शेखन फानियन वला मरातन, किसी बच्चे के ऊपर हाथ ना उठाना, किसी औरत पर हाथ ना उठाना, किसी बूढ़े पर हाथ ना उठाना, जो लोग इबादत में मशगूल हैं उनके ऊपर हाथ ना उठाना। ये वो जिहाद था। ये उस दौर में नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात फरमा रहे हैं जब जंग का दुनिया में कोई कानून नहीं था, जंग के लिए कोई ज़ाब्ता मुकर्रर नहीं था। जंग के माने यह है कि जब दुश्मन सामने आ गया तो हर काम जायज़ है, लेकिन ये जिहाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिखाया उसमें हुदूद कवानीन मुतय्यन फरमाए, उसके जवाबित मुतय्यन फरमाए, कब जायज़ है कब ना जायज़ है,
कितना जायज है कितना नाजायज है। इसलिए आप ये जिहाद को जो आज बदनाम किया जा रहा है इस गलत तरीके से, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये समझना चाहिए कि कुफ्र इस्लाम के इख्तलाफ में जो असल चीज़ है वो नफ़रत नहीं है बल्कि मोहब्बत और हमदर्दी है और दावत है। ज़रूरत के वक्त में बेशक जिहाद को भी, लेकिन उन ख़ास कवायद व ज़वाबित के तहत जो नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाए। तो ये पहला दर्जा था इख्तलाफ का। दूसरा इख्तलाफ होता है फिस्क व फुजूर का और सलाह का, मैंने कहा उसमें भी ये बात है कि नफ़रत फासिक से नहीं है, नफ़रत फिस्क से है। और हमारे दिलों में ये जज्बा होना चाहिए कि हम किसी तरह इनको इस फिस्क व फुजूर से निकालने के लिए कोई जो बेहतर रास्ता है वो अख्तियार करें। तीसरा दर्जा जो होता है इख्तलाफ का वो इज्तिहादी इख्तलाफ। एक कुरान सुन्नत की तशरीह में, मसाइले शरिया के तायुन में इख्तलाफ, ये सहाबे किराम के दरमियान भी होता था और सहाबे किराम भी एक दूसरे से इख्तलाफ रखते थे। लेकिन हज़रत अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह इलामुल मुअक्किन में फरमाते हैं और इमाम इब्न अब्दुल बर जामे बयान इल्मी वल फ़ज़ली के अंदर बयान फरमाते हैं कि बावजूद सारे इख्तलाफात के किसी सहाबी से ये मनकूल नहीं है कि उसने दूसरे सहाबी के पीछे नमाज पढ़ने से इस वजह से इनकार किया हो कि इनका इज्तिहाद मेरे इज्तिहाद से मुख्तलिफ, एक दूसरे के पीछे नमाज भी पढ़ रहे हैं। यहाँ तक अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मसलक कुछ और है लेकिन इमाम ने किसी और अपने इज्तिहाद के मुताबिक नमाज पढ़ाई है। साथ हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि मैंने उन्हीं तरह पढ़ी क्योंकि अलखिलाफ शर्र, खिलाफ शर है। लेकिन इज्तिहाद के इख्तलाफ के बावजूद मोहब्बतें भी हैं, ताल्लुक़ भी है, बाहमी तआवुन भी है, एक दूसरे के साथ तनासुर भी है, एक दूसरे का एहतराम भी है और उससे कभी भी कोई शिकाक जन्म नहीं ले रहा। इससे भी आगे बढ़कर इख्तलाफ होता है मसलक व मशरब का। इज्तिहादी मसलक भी एक ही है लेकिन तरीक़ेकार में थोड़ा सा फ़र्क हो रहा है और उससे भी आगे मिजाज व मजाक का इख्तलाफ होता है। सब कुछ मुत्तहिद है लेकिन एक का मिजाज एक जैसा है, एक का मिजाज दूसरा जैसा। हमने जो कर रखा है वो ये कि सारी इख्तलाफात की सारी किस्मों को एक ही लाठी से हाँकने का सिलसिला शुरू किया हुआ। अगर किसी से इख्तलाफ हुआ तो अब वो इख्तलाफ ऐसा है कि मैं उसके साथ बैठ नहीं सकता, उसके मजलिसों में शरीक नहीं हो सकता, उसके दावत को कबूल नहीं कर सकता, उसके साथ अगर बैठूंगा तो मैं गोया हक की मुखालफत कर रहा हूँ। ये सूरत हाल है जिसने हमें फ़िरक़ों में बांट दिया। अब नाम जो है वो ये नहीं है कि हम मुसलमान हैं, नाम ये नहीं है कि हम दीन की खिदमत कर रहे हैं, नाम यह है कि हम अपने मसलक की खिदमत कर रहे हैं, नाम यह है कि हम देवबंदी हैं, हम बरेलवी हैं, हम अहले हदीस हैं, हम सलफ़ी हैं, हम फला हैं। और उसके नतीजे में जो मुश्तरक मकासद थे इस्लाम के सारे पीछे पड़े हुए हैं। यह है हज़रत शेखुल इस्लाम ने फरमाया कि जो हमारे ज़वाल का सबब बन रहा है। तो भाई मैं अब दुखे दिल के साथ पहले अपने नफ्स से और फिर तमाम हाज़रीन से ये खिताब करता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ कि खुदा के लिए ये अहद करें कि इख्तलाफात की हदूद को कायम करने का जो सलीका हमारे अकाबिर ने तलकीन फरमाया है उसका हर कीमत पर तहफ़ करें। मुझे याद है कि एक मरतबा हिंदुस्तान में एक जगह मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान कुछ फसाद हो रहा था। हज़रत हकीम उलमत माना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मालूमात की कि भाई क्यों हो रहा है फसाद, वजह क्या है। तो मालूम हुआ कि मुसलमान वहाँ पर ज़्यादातर जो हैं वो ताज़िया निकालते हैं और ताज़िया जो है ना ये सिर्फ़ शिया हज़रात ही नहीं निकालते, ख़ुद
اہل سنت کے بھی بہت سے حضرات تعزیہ نکالتے ہیں، تو وہ نکالتے ہیں، تعزیہ نکالتے ہیں، اور ہندو کہتے ہیں ہم تعزیہ نہیں نکلنے دیں گے، تعزیہ نکالنے سے وہ روک رہے ہیں. اب اگر کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہندو اچھی بات کر رہے ہیں کہ تعزیہ کی بدعت سے مسلمانوں کو نجات دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ان تعزیہ نکالنے والوں کی حمایت کرنی چاہیے، ان کی حمایت کرنی چاہیے، کیونکہ مقابلہ کفر سے. اس واسطے باوجود اختلاف کے، لیکن اس چونکہ ایک وہ جو مخالفت کر رہے ہیں تعزیہ کی، اس وجہ سے نہیں کہ تعزیہ بدعت ہے، وہ اس لیے مخالفت کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک علامت یہ ہے، اس لیے اس کی حمایت کرنی چاہیے. تو ہر مقام پر دیکھنا پڑتا ہے کہ اختلاف کو کس حد تک لے جایا جائے اور کس حد تک اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور کون سے مشترک مقاصد ہیں جن میں ہم مل کر کام کریں. میں اس لیے یہ بات درد دل سے کہہ رہا ہوں اور بے تکلف سے کر رہا ہوں، ہمارا ملک بھی ان اختلافات کا شکار ہے، فرقہ واریتوں کا. لیکن مجھے آپ حضرات معاف کریں، یہاں مجھے برطانیہ میں خاص طور پر اختلافات کا ایک لامتناہی سلسلہ نظر آتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر رویت ہلال یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ وہ حل نہیں ہو کے دیتا. وہ تقسیم ہے، محل تقسیم ہے، مسجد تقسیم ہے، خاندان تقسیم ہے، اجتہادی مسئلہ ہے. اس میں اجتہادی مسئلے کے اندر کوئی جانب باطل محض نہیں ہوتی، لیکن اگر مسلمان اپنا اتحاد برقرار رکھنے کے لیے کسی ایک ایسے عمل پر بھی متفق ہو جائیں جو اجتہادی، جس کی اجتہاد میں گنجائش ہے، تو ہونا چاہیے. لیکن جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، اس کی وجہ سے قوم جو ہے بٹی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم اپنے مشترک مقاصد کو بھولے ہوئے ہیں. یہ جو آج نعرہ لگایا جاتا ہے اسلاموفوبیا اسلاموفوبیا، وہ اسلاموفوبیا کے بہت بڑے ذمہ دار ہم خود ہیں. اس بات کے ذمہ دار ہم ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ نوجوان جو بظاہر مخلص بھی نظر آتے ہیں، ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے، جہاد کا غلط مطلب بتایا جا رہا ہے، اور جہاد کا غلط مطلب بتا کر وہ ہتھیار اٹھا کر وہ چاہتے ہیں کہ جہاد کے احکام کے بالکل برعکس وہ ہتھیار اٹھا کر شر پھیلائیں، دہشت گردی کریں، اور ان کو اسلام کے نام منسوب کریں. نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارا فرض ہے کہ تم ہتھیار کے ذریعے شریعت نافذ کرو، چاہے وہ مسلمان ملکوں میں ہو چاہے غیر مسلم ملکوں میں ہو، اور تم ہتھیاروں کے ذریعے کام کرو. اور ان نوجوانوں کو صحیح ہدایت دینا اور صحیح راستے پر لانا یہ ہم سب کا مشترک فریضہ ہے، اور اس کام کے لیے سارے مسلمانوں کو اپنے سارے اختلافات بھلا کر، سارے اختلافات کو پشت ڈال کر اس طرف جب تک کوشش نہیں کریں گے تو اس وقت تک یہ صورتحال جو ہے وہ اس طرح رہے گی کہ اس سے اسلام کو بھی بدنام کرنا ہوگا، جہاد کو بھی بدنام کرنا ہوگا، مسلمانوں کو بھی بدنام کرنا ہوگا، اور مسلمانوں گویا مسلمان اپنے اوپر خود یہ دہشت گردی کا ٹھپا لگا لیں گے. لہذا میں گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو سنبھالیں، اپنے نئی نسلوں کو صحیح تعلیم و تربیت دیں، اور ان کو حقیقت حال سے آگاہ کریں، اور ان کو ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں جانے سے بچائیں. ٹھیک ہے، یہ بات کہی جاتی ہے اور بڑی حد تک شاید صحیح بھی ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ دہشت گرد تنظیمیں کہہ لیجئے، یا جن کا نام انہوں نے اپنا جہادی تنظیمیں رکھا ہوا ہے، آپ اس کو جو بھی نام دے لیجئے، یہ بات شاید صحیح ہو، اور اس کے بڑے قرائن بھی موجود ہیں کہ یہ شد دشمنوں کے کھڑے کیے ہوئے ہیں. اس لیے کھڑے کیے ہوئے ہیں تاکہ مسلمانوں کو دوہرا نقصان پہنچائیں، آپس میں لڑائیں بھی اور ساتھ ساتھ دشمنوں کو، مسلمانوں کو بدنام بھی کریں. اور
ये बात बिल्कुल वाजे हो रही है, किसी भी तहरीक के को जांचने का एक बहुत बड़ा तरीका यह होता है कि इसका बेनिफिशरी कौन है, इसका फ़ायदा किसको पहुंच रहा है। तो आप देखेंगे कि बेनिफिशरी अगर कोई है तो वो इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं। लिहाजा ये अपनी जगह पर सही है, लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया, दुश्मन उस वक्त तक कामयाब नहीं होता जब तक कमी हमारे अंदर ना हो। हमने दरहकीकत कोताही की है, अपने नौजवानों को संभालने में कोताही की है, उनके सही तालीम तरबियत में कोताही की है, उनको सही हालात से वाकिफ़ करने में कोताही की है। तो आज चूंकि मजमा है माशाल्लाह अहले इल्म का, उन हजरात का जो अपने अपनी जगह मुक्तदा हैं, तो मैं सबसे पहले अपने से खिताब कर रहा हूँ और अपने वास्ते से आप हजरात से कि आज की इस महफिल में अगर हम इससे फ़ायदा उठाएँ कि अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से हमें तौफीक दे कि खुदा के लिए इख्तलाफात को, इख्तलाफ कोई बुरी बात नहीं है, राय में इख्तलाफ भी होता है, होता रहा है, लेकिन वो शिकाक का ज़रिया नहीं बनना चाहिए। मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह की किताब है वहदत उम्मत, जिसका अरबी तर्जमा अखिलाफुन अम शिकाक के नाम से छपा है, जिसमें ये बताया है कि खिलाफ और चीज़ है और शिकाक और चीज़ है। खिलाफ बुरा नहीं है, राय में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन शिकाक बुरा है कि उसके नतीजे में हम एक दूसरे से जुदा होकर बैठ जाएं। तो इन इख्तलाफात को भुलाकर और इन इख्तलाफात को पसे पुश डाल कर और उनको अपनी हदूद में रख कर इल्मी हद तक, आप बेशक इल्मी मदारिस के अंदर जो इख्तलाफात हैं उनके इल्मी दलाइल बयान करें, लेकिन उसको फिर फ़िरकावारियत का ज़रिया ना बनाएं। सब मिलकर तमाम मसालिक, तमाम मकातिब फ़िक्र मिलकर इस मुश्तरक फितने का सद्देबाब करें और मुश्तरक मसाइल के लिए। आज चूंकि ये सूरत हाल हो रही है, लिहाजा प्रोपेगेंडा गलत सलत हो रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़, हमारा फ़र्ज़ है कि उस प्रोपेगेंडे का आलिमाना मुदल्लल दलाइल के साथ उसका जवाब दें और उस जवाब देकर इस फ़ज़ा को बदलने की कोशिश करें जो हमारे ख़िलाफ़ सारी दुनिया में पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये चंद गुजारिशात मुझे इस वक्त आप हज़रात की खिदमत में पेश करनी थी। नमाज मगरिब का वक्त हो गया है, लिहाजा बातें तो बहुत सी करने की हैं, लेकिन अगर आज इस मजलिस में हम किसी तरह इस मौजू के ऊपर मुत्तफिक हो जाएं और हमारे अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए तो उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व ताला की रहमतें इंशाअल्लाह नाजिल होंगी और अल्लाह तबारक व ताला इस मुश्किल हालात से हमें निकलने की तौफीक अता फरमाए। एक बात ये भी समझनी चाहिए कि मायूसी पैदा करना भी बुरी बात है, मायूसी पैदा करना भी बुरी बात है, लिहाजा मायूस होने के बजाय सही रास्ता अख्तियार करके अल्लाह ताला से रुजू करना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला इन हालात को बदल देंगे और ये जुल्मतें दूर होंगी, उजाला फैलेगा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।